माइकल एच हार्ट ने किताब लिखी, किताब का नाम उसने रखा दी 100। इंग्लिश बंदा ना अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है, बर्तानिया में, यूके में, चार पांच मिल गया वहां की जबान इंग्लिश है, वो इंग्लिश वाला बंदा था, उसने इंग्लिश में किताब लिखी दी 100। उसका मतलब है 100 फिगर नहीं होता, 100 लफ्ज़। उस किताब के अंदर उसने 100 लोगों का जिक्र किया। ए गल सुना के इंशाल्लाह माइंड अप करते हैं, जस्ट ऑन नॉलेज अपने जरूरी शान सुन के। अमेरिका का बंदा माइकल एच हार्ट, किताब लिखी थी 100, 100 बंदियां दा जिक्र कीता, आदम पाक तो लेके ईसा पाक, मूसा पाक, जनाबे रसूलुल्लाह दा जिक्र भी किताब दे विच बंद कीता। जिदू जिक्र कीता, किताब छप के मार्केट दे विच आई, कन्फ्यूशियस का कलमा पढ़ने वालों ने भी पढ़ी, ईसाइयों ने पढ़ी, यहूदियों ने पढ़ी, बुद्ध मत के मानने वालों ने पढ़ी। जब किताब पढ़ी, ईसाई, यहूदी, कन्फ्यूशियस का कलमा पढ़ने वाले सिख सारे परेशान हो गए। बंदा माइकल एच हार्ट अमेरिका का, नेशनैलिटी अमेरिका की, पैसे हमारे है, बंदा ईसाई, और तारीफ मुसलमानों के आखिरी नबी की कर रहा है, वो भी 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 15वें, 16वें, 17वें, 20, 30, 50, 90 नंबर ते नहीं, पहले नंबर ते मुसलमाना ते नबी की तारीफ ते फुल बांध दिते। ओना यहूदियां भी एतराज कीता। जब कुछ चीज आती है, मिसाल तौर ते मेरी तकरीर जब अपलोड आप करेंगे, कुछ लोग बैड कमेंट करेंगे, भाई ये मौलवी नहीं सही गांदा, अपना अपना अपनी अपनी मर्जी है लोगों की, या ये कर रहा है वो कर रहा है, बंदे कोई इख्तलाफ करते हैं, सब मसाइल होते हैं। जब लोगों ने उस किताब पर कमेंट दिए ना, किताब सामने आई, लोगों ने पढ़ी, देखी, लोगों ने ज्यादा बुरे कमेंट दिए, पहले आखिया भी बंदा काफर हो गया, लगे साडा जिक्र मुसलमाना का करते है। एक गल है, तो मैं तारीफ काफरा नहीं करा, तो जरा बंदे का पुत्र मन मुसलमाना है, मुल्क के उन्होंने की तारीफ करना है। जब उसने की तारीफ की, किताब में लिखा, अब उस पर प्रेशर पड़ा, माइकल एच हार्ट बंदे पे ना प्रेशर पड़ा, उसाई भी आ गई, यहूदी सिख सारे, ना कहा बदला पुत्र पढ़, तू मुसलमान दे नबी दा जिक्र पहले नंबर पे क्यों कीता, जवाब दे। उसने मजमा लगाया, मंथली न्यूयॉर्क अखबार का नाम है, मंथली, जो लोग यहाँ पढ़े लिखे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मंथली न्यूयॉर्क अखबार का नाम है। उसने मजमा लाया, सारे मजहब के लोग सामने बिठाए, उसने कहा मैं उस नबी का पहले नंबर पर जिक्र क्यों ना करूं। उसने इंग्लिश में जवाब दिया, उसने कहा कि लास्ट बट द फर्स्ट, ये नबी आया आखिर में है, पर इसका नंबर पहला है, ये नबी आया आखिर में है, लेकिन नंबर इसका सोना, सब तो अखीर आया, सारे नबी टोल गए, फिर नबियां का पीरा, सारे नबी टोल गए, फिर नबियां का पीरा। उसने कहा सारे बंदे सामने बैठे ने, मजमा लगया, काफ़र वो चुप हो गए, उन्होंने कहा मैं दलील देता हूँ। उसने कहा इस नबी का पहले नंबर पर मैं क्यों जिक्र ना करूं। उसने कहा मैं ईसाई हूँ, ईसा का मानने वाला हूँ, मूसा का मानने वाला हूँ, दूसरे मजहब के लोग तो वहां मौजूद थे। उसने कहा ना ना, निगाहे इश्क मस्ती में लामा इकबाल बहुत पहले कह गए आपने फरमाया निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही बाहर आज रावी ने खुले सावी ने अपनी जिंदगियों को सवारेंगे। पांच वक्त की नमाज अदा कौन किसे मौलवी की लोड़ ना पवे। तुम क्यों पूछते हो ना, मैं एक बात कहता तकदीर है, तुम खुद तकदीर है। अब फिर दौर है हुसैनी किरदार अदा करने का, आज फिर दौर है हुसैनी किरदार, माशरे में बहुत जीत निकल चुकी है, उनका मुकाबला कैसे होगा किरदार से। हर लहजा है मोमन की नई आन नई शान, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। अपना मयार बनाओ, तुम्हें दसना ना पवे, मेनू दसना ना पवे, मैं लामा साहब हाँ, बंदियां नु मेरा किरदार तक के पता लग जाए, ऐ नबी दा गुलाम जाना। आखिरी गल, चाइना
मैं तबलीग पे जाता रहता हूँ मुख्तलिफ मुल्कों में, बस रेजिडेंस है टर्की का। चाइना, आखिरी बात, चाइना में हमारे मुबल्लग साहब उतरे हैं, वहां उनका चाइनीज दोस्त था तबलीग करने के लिए, चाइना थोड़ी सी आती थी हमारे नामा साहब, वहां चाइनीज मुसलमान था। एयरपोर्ट पर उतरे हैं, उतर के उन्होंने गाड़ी भेजी है एयरपोर्ट पर, टैक्सी बाय टैक्सियां चलती हैं ज्यादा एयरपोर्ट से भी आगे पीछे, पाकिस्तान में लेकिन मामूल कम है। चाइना एयरपोर्ट से उतरे हैं, सामने एक बंदा लेने आया ड्राइवर, उसने अलामा साहब को गाड़ी में बिठाया, अलामा साहब दूसरे चाइनीज इस्लामी दोस्त को मिलने जा रहे हैं, तो रस्ते बीच ना एक मकाम ऐसा आया टैक्सी के ड्राइवर ने लीडर बंद कर सकता, बाहर पैसे नहीं, नहीं कितने पैसे ने तेरे, हाउ मच कितने की ये कितने पैसे, नहीं नहीं उठे अगर गाड़ी चलनी है बांसरिया उसने आने लाले उसे जितने मीटर के पैसे आओगे ना उतने देने होंगे। तो वो बैठे चाइना एयरपोर्ट से, उन्हें जिस मकाम पर जाना था वहां जा रहे थे, दौराने रास्ता आखिरी बंद, दौराने रास्ते में ना उस ड्राइवर ने मीटर बंद कर सकता, जो साढ़े लामा साहब जा के लगते अगे चाइनी दोस्त खलोते थोड़ी चाइना आती थी, उन्होंने आके कुछ कितना किराया है कितने पैसे, ना क्या वो मीटर पे लिखे जितने है जितने दे सको, जब पैसे दे दिए गए ना तो हमारे मुबल्लिग ने पूछा भाई किससे एक बात पूछो, जितो अस सफर कर रहे सामने ट्रैवल एक मकान के मीटर का स्विच आपने बंद किया वह क्यों किया, इस मुसलमान टैक्सी ड्राइवर ने उसे पूछा गया भाई तूने क्यों मीटर बंद किया रास्ते में थोड़ी जगह दे, उसने कहा असल में वजह यह है कि मैं हूं मुसलमान, क्या हूं मुसलमान, दुराने रास्ता मैं राह भूल गया, क्या किया राह भूल गया रास्ता भूल गया था, और जब मुझे याद आया कि मेरा रास्ता ये नहीं दूसरा रास्ता है, अब गलत रास्ते पर अपनी गलती की वजह से गया, अपनी गलती के पैसे इससे तो नहीं ना लूं, क्या मैंने कहा अपनी गलती के पैसे इससे तो नबी।